हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की जो आपकी मॉरल एजुकेशन की जो बुक है आदर्श जीवन मूल्य, उसका सेकंड चैप्टर है स्वाध्याय। क्लास 11 नैतिक शिक्षा आदर्श जीवन मूल्य, उसका सेकंड चैप्टर स्वाध्याय, उसके पार्ट से के प्रश्न करेंगे। तो स्वाध्याय किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो स्वाध्याय दो शब्दों क्रमशः है, स्व प्लस अध्याय से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ स्वयं अध्ययन करना है। स्वाध्याय जो है वो दो शब्दों क्रमशः है, स्व प्लस अध्याय से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ स्वयं अध्ययन करना है। परंतु इसका विशिष्ट अर्थ केवल अपने द्वारा किए जाने वाले अध्ययन तक सीमित नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत स्वयं का अध्ययन अर्थात आत्मनिरीक्षण किया जाता है। स्वाध्याय के अंतर्गत स्वयं से प्रश्न किया जाता है कि मेरे जीवन का, मेरी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, मैं अच्छा पढ़कर कुछ बनने आया हूँ या अभद्र एवं सस्ता साहित्य पढ़कर बिगड़ने आया हूँ। स्वाध्याय दो शब्दों क्रमशः है, स्व प्लस अध्याय से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ स्वयं अध्ययन करना है, लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ केवल अपने द्वारा किए जाने वाले अध्ययन तक सीमित नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत स्वयं का अध्ययन यानी आत्मनिरीक्षण किया जाता है। स्वाध्याय के अंतर्गत स्वयं से प्रश्न किया जाता है कि मेरे जीवन का, मेरी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, मैं अच्छा पढ़कर कुछ बनने आया हूँ या अभद्र एवं सस्ता साहित्य पढ़कर बिगड़ने आया हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, सत साहित्य का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। हमारे अध्ययन का, अध्ययन विषय का हमारे मानस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सत साहित्य पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होगी। सत साहित्य पढ़ने से बुद्धि जो है वो अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होती है। दूसरी तरफ यदि हम बुरा साहित्य पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि गलत कार्यों की ओर अग्रसर होगी। इसीलिए सत साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है। यदि बुरा साहित्य पढ़ा जाएगा तो बुद्धि गलत कार्यों की तरफ चलेगी, तो इसीलिए सत साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है ताकि बुद्धि जो है वो अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर हो। थर्ड है, गीता में मनुष्यों के संदर्भ में क्या कहा गया है। गीता में मनुष्य के संदर्भ में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है तथा स्वयं ही अपना शत्रु है। गीता में मनुष्य के संदर्भ में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है तथा स्वयं ही अपना शत्रु है। क्वेश्चन 4, हमें काल्पनिक उपन्यास पढ़ने से क्यों बचना चाहिए। हमें काल्पनिक उपन्यास पढ़ने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि काल्पनिक उपन्यासों में की गई डरावनी कल्पनाएं हमें वास्तविक जीवन में भयंकर रूप से डरा सकती हैं। यदि हम काल्पनिक उपन्यास पढ़ेंगे तो काल्पनिक उपन्यासों में की गई डरावनी कल्पनाएं हमें वास्तविक जीवन में भयंकर रूप से भयभीत कर सकती हैं, डरा सकती हैं। क्वेश्चन 5, मनुष्य के विचार उत्तम व शुद्ध बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कि कैसे मनुष्य के विचार उत्तम और शुद्ध हो सकते हैं और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। मनुष्य के विचार उत्तम व शुद्ध बनाने के लिए मनुष्य को सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि हम सत साहित्य पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी जो बुद्धि है वो अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होगी। तो सत साहित्य पढ़ने से मनुष्य के विचार उत्तम व शुद्ध बन सकते हैं। सभ्य तथा समझदार लोगों की संगति करनी चाहिए। यदि मनुष्य के विचार उत्तम व शुद्ध बनाने हैं तो मनुष्य को सभ्य तथा समझदार लोगों की जो संगति जो है वो उसको करनी चाहिए। यदि वो सभ्य तथा समझदार लोगों की संगति करेगा और सत साहित्य पढ़ेगा तो उसके विचार जो है निसंदेह जो है उत्तम व शुद्ध बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 11 चैप्टर 2 स्वाध्याय के पार्ट से के प्रश्न किए।
यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।